हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर पूरा खत्म कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि मेरे को आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाना है, दैट इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। वो वैसे जेई के सिलेबस में नहीं है, बट एप्लीकेशन पार्ट में आपसे पूछ ले क्योंकि उसके अंदर ना प्रॉपर फिजिक्स यूज होती है। तो पैराग्राफ के अंदर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम पॉसिबिलिटीज को भी क्यों छोड़ दें, हम इस पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। आओ डिस्कस करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। देखो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रैग्स इक्वेशन इंटरप्लेनर या फिर इंटरलेयर डिस्टेंसेस इन सॉलिड्स को मेजर करने के काम में आता है। क्या होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से लेयर्स में अरेंज होते हैं। ये पहली लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी, ये तीसरी लेयर होगी। इस तरह अलग अलग प्लेन्स के अंदर क्या होते हैं, आपके एटम्स अरेंज होते हैं। ये एक लेयर है, जैसे हम लेयर ए बोलते थे, लेयर बी, लेयर सी एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इन लेयर्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाली जो डिस्टेंस होती है डी, जिसको हम बोलते हैं इंटरलेयर डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेज को इंसिडेंट करवाते हैं। सो एक्सरेज आर इंसिडेंट ऑन द सॉलिड, ठीक। यहां पर हम एक अजम्पशन लेकर चलते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि दीज एक्सरेज फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो आप फिजिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, उस रिफ्लेक्शन लॉ को यहां पर एक्सरेज क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि मान लो ये आपकी एक्सरे आई, तो ये एक्सरे आएगी तो क्या होगी, इस पॉइंट पर टकरा के यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे ही ये और एक्सरे जैसे पहली लेयर से हो गई है ना, ऐसे ही क्या होगा, दूसरी लेयर से होगी, ऐसे ही तीसरी लेयर से भी होगी, और इस तरह से क्या होगा, अलग अलग लेयर से क्या होती हैं, आपकी जो एक्सरेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट, है ना। ये फर्स्ट लेयर मान लेते हैं इसको, अगर हम सबसे ऊपर वाली लेयर, तो अगर ये फर्स्ट लेयर है तो यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। सेम ऐसे ही जब सेकंड वाली लेयर से रिफ्लेक्शन होगा तो इसे हम लोग कौन सा रिफ्लेक्शन बोल देंगे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि कौन सी लेयर से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा काम करते हैं। काम क्या करना है हमको, भाई देखो ये आप लोगों ने सीखा हुआ है कि जितने एंगल पर आपकी रे आएगी उसी एंगल पर वापस से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ठीक है ना। तो ये एंगल अपना है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। सेम ऐसे ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। सारी रेज अपनी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी। दूसरा ये आप ध्यान रखना, यहां पर हम एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन इज फॉर द रेज टू बी इन सेम फेज। कौन सी फेज, सेम फेज। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेव्स के अंदर, भाई ये सारी वेव्स एक ही सोर्स से आ रही हैं, तो सबके सब क्या होने चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए। जब ये रिफ्लेक्ट सेम एंगल से हो रही हैं, तो ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं ये भी क्या होनी चाहिए, सेम फेज में होनी चाहिए। सो फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव्स, फॉर दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स टू बी इन सेम फेज, तो बताओ सेम फेज में होने की कंडीशन क्या होती है, जो आपका पाथ डिफरेंस है क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस, दिस पाथ डिफरेंस शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यानी दो वेव्स के बीच में, दो एक्सरेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। ये आप लोगों ने फिजिक्स में सीखा है। तो बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इस वेव और इस वेव के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है, कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये सेकेंड वेव क्या कर रही होगी, ट्रेवल कर रही होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से आप दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करो ऐसे इसके ऊपर। तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से क्या बन जाएगा, थीटा। तो देखो ये वेव यहां तक तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, है ना। देखो यहां तक तो दोनों पैरेलल है, जितना ये चली उतना ही ये चली है, लेकिन ये वाली वेव इससे इतना ज्यादा और चली यहां पर, और फिर यहां पर इतना ज्यादा और चली,
तो ये आपका टोटल पार्ट डिफरेंस है जो कि 2 इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होगा। डेल्टा एक्स इधर से, डेल्टा एक्स इधर से। आप ये ट्राइंगल बना लो, इसको बोल दो ओ, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। इस ट्राइंगल ओ ए बी में अगर आप देखो, ट्राइंगल ओ ए बी में, तो यहां पे आप साइन थीटा वाला रूल लगाओ, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, देखो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, हो गया ना। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डेल्टा एक्स अपॉन, बताओ हाइपोटेन्यूज कितना होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी के बराबर होगा, है ना। आप चाहो तो पहले इसको ऐसे लिख लो, साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन ओ बी के इक्वल, और ये जो ओ बी डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, डी, है ना। तो जैसे आप इसको लिखोगे यहां से आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, डी साइन थीटा, और ए बी किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स के। इतने डिस्टेंस यहां डेल्टा एक्स और इतने डिस्टेंस यहां, तो बताओ जो आपका नेट पाथ डिफरेंस होगा, नेट जो पाथ डिफरेंस होगा बताओ वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, यानी कितना हो जाएगा, 2d साइन थीटा। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये जो आपका 2d साइन थीटा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, n लैम्डा के इक्वल आनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन बना, ये जो इक्वेशन बना, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं। आपको यहां पे क्या करेगा, एंगल दे देगा, लैम्डा दे देगा, डी की वैल्यू पूछ लेगा, या डी दे देगा, लैम्डा दे देगा, एंगल की वैल्यू पूछ लेगा। एन आपको यहां पर ध्यान देना है, एन यहां पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। कई बार आपको ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो बताओ कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, दिस वुड बी फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन। n की वैल्यू 3 हो गई तो क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलता रहेगा, समझ में आ रही बात। तो बस सिंपल सा होता है ब्रैग्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप एज इट इज याद रखें और आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कॉपी करो, मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं कि कैसे हम ब्रैग्स इक्वेशन को यूज करते हैं और फिर अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट को खत्म भी करते हैं। तो देखो ये रहा एक सिंपल सा क्वेश्चन ब्रैग्स इक्वेशन पे। कैलकुलेशन में मत जाना, कैलकुलेशन के लिए आपको वैल्यूज दे देगा आसान, अभी तो आपको सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देखो क्या कह रहा है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, लैटिस हैविंग एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.77 एंगस्ट्रॉम, यानी आपको एटम्स के बीच के डिस्टेंस दे दिए 2.77 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि जो एक्सरेज आ रही है उनकी वेवलेंथ है 1.82 एंगस्ट्रॉम, बताओ ये कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी। अगर रिफ्लेक्शन है फर्स्ट ऑर्डर और फिर क्या है सेकेंड ऑर्डर, तो आपको इक्वेशन याद ही है, बताओ पहले केस, पहला क्या, हर केस में आपको क्या यूज करना है, 2d sin theta is equals to n lambda। तो देखो यहां से sin theta कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा n lambda upon 2d होगा। अब पहला केस, पहला केस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जैसे n की वैल्यू 1 होगी बताओ sin theta किसके इक्वल आ जाएगा, 1 into lambda, lambda की वैल्यू कितनी हो गई, 1.82 angstrom होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी, बताओ डिस्टेंस कितनी है, 2.77 एंगस्ट्रॉम, है ना। कुछ मिस्टेक क्यों ना, सही बिल्कुल। यहां से आप सॉल्व कर लो, यहां से आप कैलकुलेट करोगे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 19.2 डिग्री, वो आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से अभी। तो ऐसे ही सेकंड, सेकंड केस में आपको एन की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 2, तो बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू, बाकी वाली सारी वैल्यूज तो सेम रहेंगी, और इस बार आपको थीटा वैल्यू मिल जाएगी 41.1 डिग्री। बस तो ये होता है आपका ब्रैग्स इक्वेशन, और यहीं पे हम खत्म कर सकते हैं अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट को। तो सारी पॉसिबल चीजें मैंने आपके इस चैप्टर में कवर की, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। एक सीटो एचएमटीओ इलेक्ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, और लिमिटिंग रेडियस रेशियो और आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो तो यहां खत्म करते हैं अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट को और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।